ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। कपाट बंद होने की तिथि विजयादशमी के दिन शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी गई है। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होगी तथा प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। इसके अलावा द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ जी का जो कपाट भैया दूज का दिन शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा, उसके बाद भगवान द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर जी का कपाट 18 नवंबर को ब्राह्म्य मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा। उसके बाद उसी दिन रात को विश्राम देगा, द्वितीय दिन राशि, तृतीय दिन गिरिया और चौथा दिन ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का प्रस्थान हो जाएगा। उसी दिन बाबा मधमेश्वर जी का मेला भी होगा। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे। धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने ज्योतिष गणना पंचांग देखकर शास्त्रानुसार कपाट बंद का मुहूर्त बताया। आज विजयादशमी के शुभ पर्व पर भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की घोषणा श्रीमान रावण जी के द्वारा की गई। पंचांग हमारे द्वारा देखा गया और 19 नवंबर को दोपहर बाद 3:35 पर 3 मिनट में भगवान कृष्ण के पास शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, ये तिथि तय हो गई है। विजयादशमी के दिन ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के शीतकाल के लिए कपाट बंदी का समय तय किया गया। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर बंद किए जाएंगे, वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर 27 अक्टूबर को बंद होंगे।